हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक एटीएम पिन जनरेशन ओटीपी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या सेटिंग करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और ऊपर थ्री डॉट दिखेगा, उस पर शो सिस्टम पे जाना है। उस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे एन के कॉलम में स्क्रोल डाउन करके आ जाना है। धीरे धीरे स्क्रोल डाउन करके जब यहाँ पे एन में आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा नेटवर्क हेल्थ सर्विस, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टोरेज यूसेज पे जाना है और यहाँ पे क्लियर डेटा लिखा है। क्लियर डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको ओके का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है और डेटा क्लियर कर देना है। इसके बाद दोस्तों बैक हम लोग आएंगे और यहाँ पे मेन मेनू में आने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिम कार्ड का स्लॉट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रेफर नेटवर्क टाइप पे आ जाएंगे। इस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने मिलेगा, 2G, 3G और 4G। तो यहाँ पे आपको 4G सिलेक्ट करना है, जो कि सबसे हाईएस्ट नेटवर्क है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं 2G या 3G सिलेक्ट करके, नेटवर्क स्लो हो जाता है और इसकी वजह से भी आपको OTP में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको हमेशा नेटवर्क हाई रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल अपना एक बार रीस्टार्ट कर देना है, यानी बंद करके चालू करना है। ये तीन सेटिंग्स फॉलो करने के बाद आप वापस से ट्राई करेंगे तो आपको OTP आएगा। OTP का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होएगा। एक बात और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने रिचार्ज की वैलिडिटी भी चेक कर लेना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिचार्ज की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है और इसके वजह से OTP आने में दिक्कत होती है। तो आपको रिचार्ज की वैलिडिटी चेक कर लेना है। बाकी मैंने जैसा बताया है वो आपको फॉलो करना है। एक बार फिर से सारी सेटिंग्स को मैं रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है और वहाँ पर नेटवर्क हेल्थ सर्विस का डेटा क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन मेनू में आना है, नेटवर्क में आना है और अपना 4G सिलेक्ट कर लेना है। अगर 5G मोबाइल है तो 5G सिलेक्ट करना है, नेटवर्क को हाई रखना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, बंद करके चालू करना है और यहाँ पे आपको अपना रिचार्ज चेक कर लेना है, वैलिडिटी है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ओके, बाय।